हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश, और आज के इस लेक्चर का गोल है कि आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एकदम आसान भाषा में समझाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटल हम लोग मेजरली चार टाइप्स में डिफाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला जो रिएक्शन है टाइप का, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसमें। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट होने वाले, ऐड होने वाले, और एक सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करके दे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि मैंने कार्बन लिया, जैसे कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मोस्टली कोयला। मैंने कोयला बन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम आग जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो क्या करेगा, कार्बन से रिएक्ट करेगा, और कार्बन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। जैसे कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिबिन आपने देखा होगा, आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि एक रिबिन जैसा होता है। अगर मैं उसको बर्न करूंगा, तो अगेन बर्न करूंगा, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स है और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो दोनों भी एग्जाम्पल्स किसके हैं, कॉम्बिनेशन के रिएक्शन। अब देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल है। इसमें होता क्या है, इसमें रिएक्टेंट एक ही होता है लेकिन प्रोडक्ट हमको दो या दो से ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है, इसका एकदम रेसिप्रोकल है। रिएक्टेंट एक ही होगा लेकिन हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दो मिलेगा या फिर उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वॉटर है, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वॉटर किया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते थे, दो इलेक्ट्रॉन्स डालते थे, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी तो क्या होता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैस बन के क्या हो जाते थे, वो निकल जाते थे। यहाँ पे वही है, एक सिंगल रिएक्टेंट वाटर है, जब मैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, तो हाइड्रोजन अलग से निकलेगा और ऑक्सीजन अलग से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सबसे बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं और शुगर। हम लोग घर में कभी ना कभी आपने शुगर को गैस के ऊपर बर्न तो किया होगा। तो शुगर का केमिकल फॉर्मूला ये होता है C12H22O11। जब मैं उसको हीट करूंगा, जब मैं उसको क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो वो रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब शुगर को हीट करते हो तो क्या हो जाता है, वो काला काला बर्न हो गया, काला काला हो जाता है। ठीक है, वो जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन। टोटल 12 मॉलिक्यूल कार्बन के मिलेंगे मुझे, और साथ ही साथ में कुछ वाटर जैसा निकलेगा, वाटरी सब्सटेंस निकलेगा, जो नथिंग बट हमारा वाटर ही होता है, H2O। ठीक है, उसके 11 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्लियर है, अब आगे का दो रिएक्शन हम लोग देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं अभी। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंपलर वे में क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव आयन होता है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो कोई दूसरे मोर रिएक्टिव एलिमेंट से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, समझते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन पहले देखते हैं। The reaction in which the place of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by the formation of its own ion is called displacement reaction. इसको सिंपल वे में समझते हैं, एग्जाम्पल से। मेरे पास देखिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये ऐसे सोल्यूशन होगा जो ब्लू इन कलर का होगा, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है। ओके, मैंने इसमें क्या कर दिया, कुछ जिंक के डस्ट, जिंक मैंने डाल दिया। जिंक क्या होता है, मेटल होता है, तो मैंने इसको जिंक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जिंक। अब जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव होने का मतलब क्या, जिंक कॉपर से ज्यादा जल्दी बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो जिंक की कंपेयर टू कॉपर क्या है, ज्यादा है। तो जब मैं जिंक इसमें डालूंगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और ये कुछ ऑफ व्हाइट कलर का, डर्टी व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर मुझे यहाँ पे एज अ प्रेसिपिटेड मिलेगा। जो सॉलिड पार्ट रहेगा स्टोर होके सोल्यूशन में, उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है, जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव।
देखिए यहाँ पे दो आयन्स हैं, ठीक है, ये भी आयन है लेकिन ये क्या है, कैटायन्स है, ठीक है। तो क्या है, जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर का प्लेस ले लिया। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा फिर, अगर कॉपर यहाँ से हट जाएगा, जिंक आ जाएगा, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और यहाँ पे कॉपर एज अ सॉलिड पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। सेम एक और एग्जांपल मैंने लिया जिंक और HCl का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक। जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक को डाला तो हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दिया, जिंक, तो यहाँ पे क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनेगा जो क्या होगा, तो सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड यहाँ पे क्या करेगा, HCl के जगह जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन का प्लेस लेके क्या बन जाएगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा, गैस के फॉर्म में वहां से लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड हमारा देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, दो कंपाउंड्स है, दोनों कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होंगे, जो आयन्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने के बाद जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में 100% एक प्रेसिपिटेट होना चाहिए, प्रेसिपिटेट इज मस्ट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होना ही चाहिए, इज मस्ट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या, रिएक्शन के बाद जो सॉलिड पार्ट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। देखो क्या है, द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है कि मान लेते दो एलिमेंट्स है, उसमें से एक एलिमेंट निकल के दूसरे एलिमेंट में दूसरे कंपाउंड में चला जाएगा, और दूसरे कंपाउंड का एलिमेंट ये फर्स्ट वाले कंपाउंड में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेरे पास ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी है, ए और डी है, वो अपने आपको एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए रिप्लेस हो जाएगा डी से, तो क्या बनेगा, डी बी बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए सी बनेगा, और ये दोनों में से एक प्रेसिपिटेट होना चाहिए। अब जो भी कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड एरो से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो मतलब क्या, वो प्रेसिपिटेट बन रहा है, और अपवर्ड एरो मतलब क्या, वो गैस बन के लिबरेट हो रहा है। तो आप एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जो आपने बहुत बार पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस है, और उसको मैंने HCl एसिड में डाला, तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, कैसे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे OH है और HCl, ये दोनों अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया, दोनों आयन्स ने अपना प्लेस क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे जैसा यहाँ पे A और D ने एक्सचेंज किया, वैसे यहाँ पे OH और HCl ने एक्सचेंज किया, फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं Na और हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जब यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा तो क्या मिलेगा, NaCl, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, H2O। यहाँ पे सॉलिड पार्ट कौन सा रहेगा, NaCl हमारा क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म, जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बन रहा है और आयन्स का एक्सचेंज भी हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, ठीक है, आयन्स का एक्सचेंज भी हो रहा है और सॉलिड पार्ट बन रहा है प्रेसिपिटेट। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, पोटेशियम ब्रोमाइड अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला मैंने, पोटेशियम ब्रोमाइड अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन यहाँ पे NO3 और ब्रोमाइड एक दूसरे का आयन का क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, और यहाँ पे और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा नाइट्रेट के जगह, तो क्या बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड, और नीचे डाउनवर्ड एरो मतलब क्या, ये यहाँ पे सॉलिड पार्ट रहेगा जो प्रेसिपिटेट रहेगा, समझ में आ रहा है इस रिएक्शन में। तो इस पूरे इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, चारों एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है, चारों भी टाइप्स, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार रिवाइज करके देख लो, और प्रीवियस लेक्चर के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर रखे हैं, तो वहां से भी आप पूरे लेक्चर्स को, पूरे चैप्टर को इजीली कवर कर सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना कर रखी है, आप वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ बेसिक डाउट्स है, जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको बहुत क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक और लेक्चर बना के रखा है अलग से, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नाम के, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होप सो आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एक बार रिवाइज करके देख लो, और अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।